गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं? आई हो पब अच्छी हो? तो गाइस, मैं बना रही हूँ आज कड़ी, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, ओनली मैंने इसमें हल्दी और नमक और थोड़ी सी मिर्ची। तो गाइस, मैं आज क्योंकि आप जानते हो मैं रहेगी तो अपना जल्दी जल्दी शाम का करके जाती है, क्योंकि उसे और दो जगह जाना है, शाम को पड़ता है ना। तो गाइस, मैं इसमें बेसन जो है वो पकौड़ी के नहीं डालती हूँ, बता देती हूँ आपको मैं, ठीक है। सारा बेस मैंने तैयार कर दिया है, सारा मसाला तैयार कर दिया है। ये देखो, प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, अदरक सब कुछ, सब कुछ मैंने इसमें काट दिया है। और आपको बताती हूँ कि मैं कढ़ी में खाली बेसन का नहीं डालती, क्योंकि मुझे ना कम अच्छा लगता है बेसन का, गाइस मुझे अच्छा ही नहीं लगता बेसन का। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा गोभी कद्दूकस किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें एक मैंने प्याज काट के थोड़ा मोटा मोटा ऐड किया है, इसमें थोड़ी मैंने मिर्ची काट के ऐड किया है, ठीक है। तो मैं बनाऊंगी इसका क्या मसाले से, मसाला ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, ठीक है। तो इसमें मैं इतना नमक डालूंगी जितना पकोड़ा खाया जाए, क्योंकि कढ़ी में भी नमक गिरता है, ठीक है। थोड़ी सी इसमें मैं लाल मिर्च लगाऊंगी, थोड़ा सा मैं इसमें बेसन ऐड करूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी। और ये ना मेरा बेसन था, तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया है, कपड़े धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में। इस ये है बेसन। तो मैं खाली बहुत से गांव में भी डालते हैं ना कि मतलब पूरा बेसन का ही पकोड़ा डालते हैं ओनली, बस ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि मैं बेसन के पकोड़े नहीं डालती हूँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे घर में मेरे बच्चे को पसंद नहीं है। गाइस, आप जानते हो पकोड़ा जो होता है ना, बेसन की कढ़ी बनती है, हम थोड़ा सा लस्सी जो मठा होता है, ठीक है, उसमें भी हम बेसन ही लगाते हैं, ठीक है। और फिर उसमें हम खाली बेसन बेसन की अगर हम उसमें पकोड़े बनाएंगे ना, तो मेरा ये हो गया तैयार। तो मैंने कढ़ी बनने रखी थी गाइस 4 बजे, ठीक है। तो गाइस, मैं इतनी जल्दी कढ़ी नहीं उतारूंगी, कढ़ी उतारूंगी गैस पे सिर्फ 6 बजे, क्योंकि गाइस जब तक कढ़ी है ना पक नहीं जाती ना, तब तक मजा नहीं आता। आपको पता ही है कि कढ़ी जो है टाइम लेती है थोड़ा सा ना, तो मैं
हमेशा कड़ी बनाती हूँ, मैंने अपनी मैट से भी कड़ी बनवाई थी गाइस, ठीक है, लेकिन ना मुझे ना उसका टेस्ट नहीं पसंद आया था उसकी कड़ी का, क्योंकि वो क्या करती है जल्दी 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 बनाया कड़ी और छुट्टी। तो आप जानते हो गांव में भी अगर कड़ी बनती है ना गाइस तो चूल्हे पे बनती है ना, क्योंकि कड़ी पक जाती है, ठीक है। तो कड़ी मैंने ही बनानी थी, पकोड़ा भी मैं ही बनाऊंगी कड़ी का, वो तड़का लगाएगी क्योंकि मुझे कपड़े भी ऊपर देखना है गाइस, और थोड़ी सी रोटी बनेगी। ये मैंने कढ़ाई निकाली है पकोड़े के लिए, थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में तेल ऐड किया है, बाकी ना मसाले सारे डल चुके हैं कड़ी में मेरी। और आप सोच रहे होंगे मैं कड़ी में तड़का किस चीज का लगाऊंगी, तो गाइस बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि कड़ी में ना जब तक मेथी का तड़का ना हो तो कड़ी में स्वाद नहीं आता। तो गाइस ना मेरी छोटी छोटी डब्बी हैं जिनमें मैं अपना सारा सामान रखती हूँ, जैसे कि हो गई काली मिर्च, आपको पता है कि काम आती है काली मिर्च, लौंग होंगी, तो मैं लौंग डब्बे में छोटी छोटी में डब्बे में रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे। और ये क्या है जानते हो, ये जायफल, थोड़ा थोड़ा मसाले ना मैं छोटी छोटी डब्बियों में ऐड करके रखती हूँ, क्योंकि और ये है राई, राई जो होती है राई जो अचार में भी यूज आती है, तो मैं इसलिए छोटी छोटी डब्बियों में ना करके रखती हूँ क्योंकि चीज सामने तो दिख जाती है, ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और एक कितना हाउस वाइफ जो होती है वो घर के अंदर ना छोटी छोटी डब्बी में अगर खाली होंगी ना तो वो उसको भी है ना काम में यूज कर लेगी, फेंकेगी नहीं। तो हम लोगों का यही है कि छोटी छोटी डब्बियाँ जो होती है ना वो हमारे कब किस चीज़ के काम आ जाए भरोसा नहीं होता। और देखो गाइस देखो इसमें भी राई है, ठीक है, कि हमारी जो छोटी छोटी डब्बियाँ होती है कब किस टाइम काम आ जाए। तो गाइस मेरा जो तेल है कढ़ाई में वो हो चुका है, क्योंकि ज्यादा मैं बनने के लिए रखूंगी ना, तो मैं गाइस ना पकोड़े वैसे नहीं बनाती ना जैसे एक पहले पहले गोल गोल बनाती हूँ, ये देखो मध्य गैस में होएगा, गैस मध्य करके रखूंगी तो अंदर से पकोड़ा अच्छे से सिक भी जाएगा। ये जो पकोड़ा होता है ना कड़ी में ये खाने में स्वाद आता है, और बेसन जो कड़ी जो बनती है ना बेसन में ही तो बनती है, लस्सी और बेसन नहीं होगा तो कड़ी नहीं बनेगी। फिर उसी में ही हम लोग बेसन के पकोड़े डाल दें, मजा नहीं आता। तो जैसे कि मैंने बताया ना मेथी का स्वाद नहीं, जैसे कड़ी में मेथी के बिना स्वाद नहीं होता तो कड़ी के पत्ते के बिना भी स्वाद नहीं होता कड़ी में, ध्यान रखना गाइस, ठीक है। तो मैं जो है ना अगर कड़ी का पत्ता नहीं होता है ना फिर तो बात ही अलग है, आपको पता है कि दूर जाना पड़ेगा, यहाँ पे आसपास में कहीं कड़ी मिलेगी नहीं कड़ी का पत्ता। तो थोड़ा सा ना मैं उसमें क्या करती हूँ साबुत मिर्च जो होती है ना उसका भी तड़का मैं लगा देती हूँ कड़ी में, गाइस कभी आप सोचते हो कि मैंने मैट लगा रखी है तो क्या मेरे को कुछ बनाना नहीं आता,
खाना में सारा बना लेती हूँ, डिश भी सारी बना लेती हूँ, बट क्या मेरे से ना काम नहीं हो पाता जल्दी जल्दी, ठीक है। और आप जानते हो मम्मी का भी थोड़ा काम फैला हुआ है, ठीक है, और इसमें से ना मेरे से घर का काम नहीं हो पाता, क्योंकि पता है क्या आपको, शुद्ध खाना बोलते ना, मैं कड़ी में जो प्याज डालती हूँ, आप सोच रहे होंगे वैसे ये ठाकुर जी को मानती है, और कड़ी में प्याज लहसुन भी डाल रही है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ मेरा कड़ी का, मेरा प्याज का लहसुन का जो सामान बन रहा है, गैस साफ होएगी जब वो आएगी, कड़ी बन चुकी होगी, वो तड़का मारेगी, सारा मेरा कड़ी का सामान जो भी है, मतलब जब कड़ी है वो साइड में रख देगी, गैस मांजेगी, बर्तन मांजेगी, उसी के बाद आज मैं काना को दूंगी पराठा उड़दई, ठीक है। तो हम काना को प्याज अलग देंगे, सबसे पहले हम काना को ही खिलाते हैं, उसके बाद ही हमारे घर में सब खाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया तो आप पहले खा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पकोड़े मद्दी मद्दी आँच में हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इधर कड़ी बन रही है, इधर मेरे पकोड़े तैयार हो रहे हैं, मसाला सारा रख चुकी हूँ, मेरे ऊपर कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है। तो चलो आपको दिखाते हैं ऊपर, और इन 2 महीनों में है ना बेचारी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि हम लोग है ना रात को सोते हैं बेड पे और सुबह उठ जाते हैं, ठीक है, दिन में घंटा 2 घंटा लेट जाएंगे, कम से भी नहीं लेटा जाने का ना। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ छत टेरेस पे, मैं जो किराएदार है वो आ चुका है, आती तो मेरी मशीन बंद हो जाती है, इसलिए मशीन को मार के जा रही हूँ, ठीक है गाइस। तो हम मिलते हैं आपसे शाम को, ठीक है, जब हमारी कड़ी बन जाएगी, तड़का लगेगा कड़ी का, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस देखो बाहर का मोल कैसा है तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ओके, बाय बाय।